वोट बैंक ही सिर्फ इन लोगों को दिख रहा है। देखना किसमें है, जनगणना प्लस जाति। क्यों भाई, आपसे अगर आज कोई पूछेगा कि आपका नाम, आप अपना नाम बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम आपसे ये पूछेंगे आप कौन से जात के हैं, तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा, इससे और सिचुएशन खराब होंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है पब्लिक टॉक विद हर्षवर्धन। जैसे हम अभी बिहार के कटिहार जिले में आ गए, बिहार में 1 जून को जातीय जनगणना पे सर्वदलीय बैठक करके कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। तो अब हम इस पे जानते हैं जो जनता को क्या इससे लाभ है या नहीं, तो चलिए हम जनता से बात करते हैं। सर, जैसे बिहार में जातीय जनगणना को लागू कर दिया गया, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये राजनीतिक मुद्दा है या लोगों को ये लाभ देगा या नहीं देगा? मुझे जैसा कि लगता है, अभी तक मैं जो सुन रहा हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है हम लोग को। अभी हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा विशेष चीज़ है जो हमारे बिहार में है, उस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा ठीक होगा जी। बाकी मुझे नहीं लगता ये जनगणना करके ऊपर से जातिवाद, कि हम जातिवाद के हिसाब से जनगणना करेंगे, ये मुझे नहीं लगता है ये कोई मतलब फ़ायदा होने वाला है। इससे और सिचुएशन ख़राब होंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की बातें सोचेंगे। और ये जेन्युइन बात है कि कोई भी सोचेगा, अगर हम ही से कोई पूछेगा तो हम भी सोचेंगे कि ये जनगणना ठीक है, पर ये जातिवाद होना ये ज़रूरी नहीं है। जातिवाद क्यों होगी? जनगणना जनगणना से ये पता चलता है कि हमारे बिहार में कितने पब्लिक हैं, हमारे कटिहार में कितने पब्लिक हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टारगेट करें कि आप कौन से जात के हैं, आप कौन से जात के हैं, कौन से जात के कितने लोग हैं। इससे मुझे नहीं लगता ये उन लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे जनता को कोई भी तरह का 1% का कोई भी सुविधा मिलेगा ना। मुझे तो आपका कहना ये है, जो ये जाति जनगणना जनता के लिए नहीं है, ये पूरे पॉलिटिक्स खेलने के लिए, पॉलिटिशियन ये अपने चुनाव के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, बिहार में जैसे वो करेंगे जाति के हिसाब से जनगणना, तो आप हैं या हम हैं, हम लोग को जब ये जनगणना होगा तो हमें पता चलेगा कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं। जी जी, इससे क्या होगा ना कि वो लोग अपना वोट बैंक सिक्योर करेंगे। हाँ, सिक्योर कि जब हमको जब चुनाव आएगा तो कितने लाख लोगों के पीछे हमें भागना है। हाँ, उसके बाद बाकी जो है उसको हटा दो, उसे हमको मतलब एक टारगेट ऑडियंस होगी। जी जी जी, उनका टारगेट है कि अगर मुझे इनको फोकस करना है, ये 2 करोड़ है, इनका 2 करोड़ वोट मिलेगा, मेरा सरकार बनेगा, तो ये सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। बाकी अगर पूरे बिहार में आप देखिए जितनों, अगर आप 2 करोड़ पे फोकस करते हैं तो बाकी तो वो उस पर ध्यान आप दीजिएगा नहीं जी। और इससे क्या होगा ना कि अगर सिर्फ जाति को हटा के जनगणना होता है तो उससे एक फायदा होता है कि आप किसी को ये नहीं बोलिएगा कि तुम हो तो तुम हमको दोगे, आप सबको लेके चलिए। हाँ, सही बात। हम कोई भी सरकार का काम होता है सबको लेके चलो, विकास पे उसमें बात होगी, मतलब आम जनगणना होगी तो उसमें हमको ये पता चलेगा जो शिक्षा कितना दर बढ़ा है, बेरोजगारी दर कितनी बढ़ी है, हमें क्या कौन से कार्यालय में काम करने की जरूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हमारे मेहनत की जरूरत है, विकास दर कितना बढ़ा है। जी बिल्कुल, ऐसे क्या होगा कि वो लोग अपने कुछ वोट्स को ले लिए, आपका काम हो जाएगा, आप उनको वोट दीजिएगा, बस मेरा बन गया, बाकी किसी से ना बात करना ना सुनना, ये तो यही चीज है। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि ये हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने अच्छा किया है, मुझे नहीं लगता। इससे अच्छा होगा किसी अलग चीज पे जाएं, कुछ अलग ध्यान दें। हमारे बिहार में अभी भी बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा, जिसे उन्होंने नहीं देखा है। देखा किसे? अपने वोट बैंक को। वोट बैंक ही सिर्फ इन लोगों को दिखता है, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके अलावा ना विकास से कोई मतलब है, ना बेरोजगारी इतना बढ़ते जा रहा है। अभी हमारा हाल फिलहाल में ही कुछ हुआ है बिहार में BPSC को लेकर, आप लोग सुने, उस पर ध्यान नहीं देना है। कितने बच्चों लोगों का फ्यूचर खराब हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। देखना किसमें है, जनगणना प्लस जाति। क्यों भाई, आपसे अगर आज कोई पूछेगा कि आपका नाम, आप अपना नाम बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम आपसे ये पूछेंगे आप कौन से जात के हैं, तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे ही बुरा लगेगा। हाँ, बुरा लगता है, जात की बात सबको बुरा जी। तो वापस हमको वापस उस चीज़ में नहीं बनना है जो हमारे पुरखों ने फंसे हुए थे। हमको वो सब चीज़ में ना जाना है, ना मुझे फर्क पड़ता है कौन किस जात का है, कौन किस बिरादरी से आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरे साथ सब एक बराबर है और हम सबको लेके चलना चाहते हैं। जी, तो हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।